మధ్యప్రదేశ్ లో వరదల భీభత్సం కొనసాగుతోంది. శివపురి జిల్లాలో పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. జిల్లాలోని చాలా గ్రామాలను వరద ముంచెత్తింది. వందలాది ఇళ్లు జలమయమయ్యాయి. వరద బాధితులను అధికారులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. బోట్ల ద్వారా సహాయక చర్యలు కొనసాగిస్తున్నారు ఎస్డీఆర్ఎఫ్ అధికారులు. ముంపు గ్రామాల్లో వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి మందులు పంపిణీ చేస్తున్నారు. पुलिस मुख्यालय से भी एसडीआरएफ से बात करके एसडीआरएफ की कंपनी भी आई है जो सुबह 5 बजे तक यहाँ पहुँच गई थी. सुबह के टाइम जब थोड़ा पानी घुसने लगा है तो करीबन 117 लोगों को रेस्क्यू किया है, जिसमें 69 पुरुष हैं, 31 महिलाएं हैं और 17 करीबन बच्चे हैं. तो इन लोगों को रेस्क्यू किया गया है. इनमें से कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि रक्षाबंधन था कल, तो कुछ लोग उसके लिए आए थे तो वो लोग यहाँ से चले गए. बाकी लोगों को यहाँ रख करके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं और इसमें हमको स्थानीय जनता और स्थानीय सरपंच साहब सब लोगों का बहुत सहयोग मिला है. पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से इनको सुरक्षित किए हुए हैं और अभी उम्मीद है कि पानी चूंकि कम हुआ है तो शायद ये वापस जल्दी हो जाएंगे, लेकिन चूंकि शाम तक अला हाई अलर्ट है तो हम अभी इस पर निकाल रखें. निकल के तो सारे दर्द थे, हम तो जब आ गए थे कुछ उसके साथ आ गए थे, टीम आई थी उनके साथ. गाँव में 450 लोग फंसे हैं सर, 50 लोग निकाल दिए, निकाल रहे हैं सर, निकाल भी तो कोई व्यवस्था नहीं है और हेडपंपों में इतना गंदा पानी आ गया है, कुछ पीने की व्यवस्था भी नहीं है सर. यहाँ पे कर रही थी आगे, लेकिन निकालने की बहुत कोशिश की.